नमस्कार, स्वागत है आपका। बिहार चुनावों को लेकर लगातार हम आपसे चर्चा कर ही रहे थे और उसके बाद अब जो एग्जिट पोल आए हैं उन्होंने ये बता दिया है। वो ये तो निश्चित तौर पर एक तस्वीर साफ तौर पर रख रहे हैं जिसमें ये समझ आता है कि बिहार में कांग्रेस से भी क्या नीतीश सरकार की हालात, या ये कहें कि जेडीयू और नीतीश कुमार की हालत उससे भी ज़्यादा खराब होने वाली है। क्योंकि अगर आप एग्जिट पोल से जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं उनकी मान लें तो ये होता हुआ जमीन पर नजर आ रहा है। ऐसे में एग्जिट पोल के हिसाब से बिहार चुनाव में इस बार नीतीश कुमार की स्थिति ठीक नहीं दिख रही है, ये कहना वाजिब होगा। 115 सीटों पर चुनाव लड़ रही जेडीयू की स्थिति इस चुनाव में कांग्रेस से भी पतली हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको लेकर के अलग अलग जो लगातार एग्जिट पोल्स आए हैं उनको जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज तक एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए के खाते में सिर्फ 69 से 91 सीटें दिख रही हैं, और जब मैं एनडीए कह रहा हूं तो बीजेपी को इंक्लूड कर रहा हूं इसमें, और ये सीटें बीजेपी और जेडीयू की हैं। ऐसे में सवाल है क्या जेडीयू बिहार में कांग्रेस की तरह हो जाएगी। हालांकि ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि 2015 के चुनाव में कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन पर सुधार किया था। अब दरअसल एक बात आप ये भी जान लीजिए कि एग्जिट पोल के अनुसार ही नीतीश कुमार के लिए जमीन लगातार हालात जो हैं वो बिगड़ते हुए नजर आए। बिहार में चुनावी सभाओं के दौरान हमें और आपको पता है कि नीतीश कुमार का विरोध किस तरह से हुआ, किस तरह से उनके ऊपर प्याज फेंके गए, और किस तरह से शुरुआती दौर में ये देखने को मिला कि बीजेपी एक अलग स्वर उसी मंच से बोल रही है जहां से नीतीश कुमार एक अलग स्वर पर बात कर रहे हैं, और जो कोऑर्डिनेशन होता है, जो पोस्ट जो प्री अलायंस होता है उनमें जिस तरह का एक कोऑर्डिनेशन देखने को मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा था। नीतीश कुमार कुछ और कह रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ और भी बीजेपी के नेता जो प्रचार प्रसार में लगे हुए थे उनकी बातें कुछ और नजर आ रही थी, और इसके साथ साथ चिराग पासवान पर प्रधानमंत्री का आखिर वक्त तक कुछ ना बोलना अपने आप में ये भी एक तरह की प्रदर्शन को खराब करने की वजह माना जा रहा है, ये भी लोग समझ रहे हैं। इसके अलावा जून 2013 के बाद आप ये समझ लीजिए कि नीतीश कुमार पर सवाल उठने लगे थे नरेंद्र मोदी के नाम पर। उन्होंने जून 2013 में चुनाव में एनडीए से नाता तोड़ दिया था, तो वो एक अलग तस्वीर निकालकर सामने आती है जिसका भी जिक्र इस वक्त पे बिहार चुनाव में हो रहा है कि कैसे लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते रहे, और फिर अब जो नाता जोड़ा उसके बाद ये सारे बयान भी बिहार की हवाओं में कहीं ना कहीं इस वक्त पे तैर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जेडीयू यानी नीतीश कुमार की स्थिति इस वक्त कांग्रेस से भी ज़्यादा लचर हो जाएगी, एग्जिट पोल्स ये बता रहे हैं। हालांकि सच्चाई तो 10 तारीख के बाद ही पता चलेगी कि चुनावी नतीजों के बाद आंकड़े क्या तस्वीर बनाते हैं, जेडीयू को कितनी संख्या हासिल होती है, कुल मिला के एनडीए को कितनी संख्या मिलती है, और इसके साथ साथ कांग्रेस पर भी नजर रहेगी कि क्या कांग्रेस 2015 में तो सुधार किया था, इस बार भी सुधार करने में कामयाब रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल नीतीश कुमार के लिए, जिन्होंने ये भी कह दिया है कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा, इसके भी कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं, वो सब कभी और। फिलहाल 10 तारीख का इंतजार कीजिए, क्योंकि एग्जिट पोल अगर सही हुए तो सही मायनों में जेडीयू की हालत कांग्रेस से भी ज़्यादा खराब होने जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।